जय हिंद साथियों, मैं हूं निम्मे कुकरेती और उत्तराखंड पहाड़ी रसोई में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम उत्तराखंड की बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी बना रहे हैं, जिसका नाम है रस। उसकी तैयारी हमें एक दिन पहले कर लेनी पड़ती है। तो उसके लिए हमें चाहिए, देखिए, ये है उत्तराखंड की जो छेमी होती है, मोटी दालें हमें चाहिए इसके लिए। ये हमने लाल छेमी ले ली है, ये कम से कम हमने 2 चम्मच ले ली है। सफेद छीमी 1 चम्मच, ब्राउन छीमी 2 चम्मच। ये फलियों से निकाली जाती हैं ये दालें, तो ये सारी लोकल दालें हैं। 3 टाइप की हमने छीमी डाल दी हैं। अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच ब्राउन राजमा, 1 चम्मच मैरून राजमा, 1 चम्मच तोर, 1 चम्मच रयास, इसे हम रयास भी बोलते हैं, लोबिया भी बोलते हैं, कई कई जगह पे नौरंगी दाल भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं साथियों, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये 1 चम्मच हमने रयास डाल ली है। 1 चम्मच काले चने, 1 चम्मच काले भट्ट, 1 चम्मच सफेद सोयाबीन, 1 चम्मच सुंटे, इन्हें कई जगह लोबिया बोलते हैं लेकिन पहाड़ में हम इसे सुंटे बोलते हैं, तो 1 चम्मच सुंटे आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा। और इन दालों को हम बहुत अच्छे से साफ कर लेंगे और फिर इनको हम धो के अच्छे से धोना है और उसके बाद हमें भिगो देना है। ये पूरे दिन भर भीगी रहेगी और उसके बाद आगे हम देखेंगे कि क्या करना है। तो पहले हम इसे साफ कर लेते हैं। और जो हम पानी है इसका पानी चूंकि हमें फेंकना नहीं है, इसलिए हमें ये अच्छे से धो के रखनी है दाल को। तो देखिए साथियों, दाल को हमने बहुत अच्छे से धो लिया है और इसे भिगोने के लिए रख दिया है। पानी हमने डबल किया है, जितनी दाल है उससे ऊपर उतना ही और पानी है। तो अब हम इसको गर्म पानी को गुनगुना कर लेंगे और ढककर भिगोने के लिए रख देंगे। ये देखिए साथियों, हमने जो है सुबह भिगाए थे सारी दालें और अब ये बहुत अच्छे से फूल गई हैं। ये शाम को ही इसे, यानी रात को इसे उबाल लेना है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक तो हम 1 तेज पत्ता डाल लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें तेल का यूज करेंगे हम, ताकि जो है इसमें जो जब इस उबलेगी दाल तो ये ऊपर ना आए, इसलिए हमें तेल उंगलियों पे लगाना है और हमें कुकर के साइड साइड में इसे लगा देना है। अब जो ये तेल बचा हुआ है इसको हम कुकर में डाल लेंगे। अब ये काम हो गया। अब हमें इसमें डालना है नमक, लगभग 1 से 1.5 चम्मच हम डाल लेंगे इसमें नमक। और अब हमने सारी चीज़ें डाल ली हैं। थोड़ा सा हमें इसमें हल्दी डालनी है, बहुत थोड़ी सी। उससे क्या होगा, जब दाल उबलेगी तो इसका कलर काफ़ी डार्क हो जाएगा। तो हम हल्दी डाल ली हमने थोड़ी सी। अब हम इसे उबालने के लिए रखेंगे, कुकर को बंद कर देते हैं और इसे बहुत अच्छे से हमें दाल को गलाना है। दाल हमने उबाल के रख लेनी है और रात भर ये ऐसे ही रहेगी। तो साथियों, हमने जो दालें हैं उन सबको रात को उबाल लिया था और हम कुकर खोल लेते हैं। साथियों, ये देखिए, हमने जो साइड साइड में तेल लगाया था ना, तो उसकी वजह से दाल बिल्कुल भी जो है, दाल का पानी ऊपर उबलते हुए नहीं निकला है और कुकर का ढक्कन आप देख लीजिए एकदम साफ है। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये दाल है, इस दाल का जो पानी है, ये देखिए कितनी अच्छी ये उबली हुई है, एकदम गली हुई दाल है, देख रहे हैं ना, और पानी भी कितना इसका गाढ़ा हो गया है। और रात भर ये दाल ऐसी ही थी तो इसका पानी देखिए कितना डार्क और अच्छा, पानी में पूरी दाल का जो है जो तत्व हैं और जो पूरी दाल की खुशबू और वो सब चीज़ें हैं वो आ गई हैं पानी में। और पानी भी देखिए कितना गाढ़ा हो गया है, देखिए। अब हमें क्या करना है, इस दाल को थोड़ा सा अच्छे से करछी को दबा के ऐसे घुमा लेना है, ताकि जो दाल का जो पानी है वो थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। बस अब हमें इसको
हम इसको छान लेंगे। तो एक हम पैन ले लेते हैं और उसमें छन्नी रख लेते हैं और इसमें डालते जाएंगे और पानी जो है छनता जाएगा। तो पूरी दाल को हम ऐसे ही छान लेंगे और पूरा इसका जो है पानी निकाल लेंगे। अब इसको इस तरह से दबाएंगे, दाल हमारी सूखी हो जाएगी और इस दाल को हम इसी कुकर में साइड में डाल लेते हैं और फिर से जो इसमें पानी बचा हुआ है उसको जो है हम छान लेते हैं। इस तरह हम पूरी दाल का पानी निकाल लेंगे। जैसे हम रस बोलते हैं वो तो अलग निकल गया है और दाल देखिए ये अलग हो गई है। अब हमें इसे फिलहाल साइड में रखना है। अदरक काटा है थोड़ा सा, लहसुन की 8-10 कलियां और हरी मिर्च, इनको हमें मोटा मोटा कूट लेना है, दरदरा सा कूट लेंगे। इसको निकाल लेंगे तो ये हमारा देखिए मोटा मोटा, ये देखिए हमने दरदरा सा इसको कूट लिया है। अब हमें साथियों जो हमारी दाल है, दाल से हमें थोड़ा सा दाल निकालनी है और इसे भी हमें पीस लेना है इस तरह से, ये देखिए आराम से पीस जाएगी क्योंकि दाल बहुत अच्छी गली हुई है। तो ये हमने एकदम महीन पीस लिए। अब हमें थोड़े से जो दाल के दाने हैं वो हमें, ये देखिए आधी करछी, वो भी हमें इसमें डाल लेने हैं। इनको हमें मैश नहीं करना है, इनको हम ऐसे ही रखेंगे। ये देखिए अब बस तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमें गैस की तरफ चलना है और जो ये दाल रखी हुई है इसका भी हम दूसरी रेसिपी में यूज़ करेंगे, तो इसे हम फिलहाल संभाल लेते हैं। तो साथ ही देखिए मैंने जो है सरसों का तेल डाल लिया है लोहे की कढ़ाई में। जैसा कि आपको मालूम ही है कि पहाड़ी खाने जो पारंपरिक भोजन होते हैं वो हमेशा एक तो जो है या तो घी में बनते हैं या सरसों के तेल में बनते हैं और लोहे की कढ़ाई में बनते हैं। तो साथियों तेल गर्म हो गया, हम थोड़ा सा जख्या डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, मैं जख्या डाल रही हूँ। अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे बारीक कटा हुआ, इसी के साथ हम डाल लेंगे तेज पत्ता, इसको ब्राउन होने देंगे, लाइट ब्राउन होने वाला है। देखिए इस स्टेज में हम डाल देंगे जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मोटा मोटा कूट के रखा हुआ था उसको डाल लेंगे, इसी के साथ भून जाएगा। साथियों प्याज जो है ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, हल्दी हम पहले भी जब डाल चुके हैं जब हमने उबालने के लिए रखी थी, नमक 1/2 चम्मच उबालते हुए भी हमने डाला था इसलिए ध्यान से डालेंगे और इन चीज़ों को हम चला लेंगे। अब हमें इसमें टमाटर डाल लेने हैं, 1 टमाटर मैंने इसमें डाला है देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है। इसमें हम रस वाला पानी जो दाल का पानी है वही डालेंगे ऊपर ऊपर से थोड़ा सा, ये और साथ ही इसको हम ढक के रख देंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। चलिए चेक कर देते हैं साथियों, टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा हम मैश कर लेते हैं। अब जो है हम इसमें रस डालेंगे, रस को पहले हम करछी से चला लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे।
गैस की फ्लेम थोड़ी देर के लिए हम तेज कर लेंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। ये देखिए, अब साथियों इसके साथ ही हमने जो ये मैश करके रखा हुआ था दाल, उसको भी हमने पानी से घोल लिया है। अब इसी में हम शिफ्ट कर लेंगे। इसको हमने पहले से इसलिए घोला है ताकि इसमें लंग्स ना पड़े। देखिए साथियों, दाल उबलने लगी है तो हमें अब इसकी फ्लेम जो है लो पे कर देनी है। साथियों, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक ये रेसिपी है। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन अधिक मात्रा में है और ये एक ऐसी रेसिपी है जिसको सर्दियों में बहुत बनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में। इसमें साथियों मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है, आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो साथियों देखिए, रस तो तैयार हो चुका है। अब हमें इसको थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के अच्छे से सजा देना है। उसके बाद हम डाल देंगे धनिया पत्ती, ये देखिए, और बस रस भात तैयार है। दूसरे चूल्हे में मैंने भात भी बना दिया है, जिसे चावल बोलते हैं, हमारे पहाड़ में भात बोलते हैं। तो अब सर्व कर लेते हैं। और साथियों देखिए, रस भात बनके एकदम तैयार है। मैंने साथ में लाल चावल बनाए हैं जो लोकल चावल हैं, और ये चावल जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसको हम सूप के रूप में भी ट्राई कर सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट आपको लगेगा, एक बार आप जरूर बनाइएगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर आप अपने कमेंट जो है मेरे चैनल पे बताइएगा। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। नई रेसिपी के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे, और तब तक के लिए बाय, जय हिंद।